मिलने वाले हैं आने वाले की। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। अभी टाइम हो चुका है, आज है थर्सडे एंड अभी हो चुका है टाइम 8:00, 8:14 हो, 8:15 हो चुका है अभी। तो अभी सुबह और 8:45 को मेरी क्लास है, तो मैंने सोचा कि आज एक व्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि 4 दिन के बाद जो मेरा पहला व्लॉग था गाइस, उस पर उतना रिस्पॉन्स आया था, पर अभी देखते हैं इसके ऊपर कितना रिस्पॉन्स आता है। और गाइस, मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि सॉफ्टवेयर पर एडिटिंग रहती है ना गाइस, मैं मोबाइल के ऊपर एडिटिंग करता था, पर अभी मैं ट्राई कर रहा था कि सॉफ्टवेयर पर एडिटिंग कैसे होती है। तो फिल्मोरा 9 जो कि सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर मैं एडिटिंग करके देखना चाहता हूँ कि कैसी एडिटिंग हो सकती है उस पर, अच्छी एडिटिंग हो सकती है क्या नहीं। तो हाँ, और कुछ नहीं गाइस, तो मैं जल्द से ब्रश करता हूँ, ब्रश करने के बाद डायरेक्ट मेरी क्लास है, और ऑनलाइन क्लास है ऑब्वियसली, तो आई वांट टू टेक क्लास ऑन। मैं लेना नहीं चाहता हूँ, मेरी क्लास में अटेंड करना चाहता हूँ ऑन लैपटॉप, क्योंकि क्लास वर्कशॉप का सेशन था आर्टिस्ट अंकित का, वो मैंने लैपटॉप पर अटेंड किया था। तो आई थिंक गूगल मीट की जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस है, वो भी मैं लैपटॉप पर ही अटेंड कर लूँ जस्ट फॉर ट्रायल। बहुत सारे ऐसे क्लासेस मैंने ट्राई किए थे बट नहीं हुए थे, पर अगर ये वाली क्लास होती है तो मैं लैपटॉप पर ही पूरी क्लास अटेंड कर सकता हूँ। तो चलो मैं ब्रश करता हूँ और बाद में आपसे मिलता हूँ। गाइस, मेरी क्लास हो चुकी है कम्प्लीट, और अभी एक और क्लास है 10:30 को, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, मैं सॉफ्टवेयर से एडिटिंग करने वाला हूँ। अभी जो वीडियोस अपलोड होने वाले हैं आने वाले की वीडियो, जिसमें मैं सॉफ्टवेयर का यूज़ करने वाला हूँ, एक बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर का, जो कि बहुत अच्छा भी है और यूज़फुल भी है, तो मैं आपको बताऊँगा मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ। तो गाइस, ये सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ फिल्मोरा 9, जो कि बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू हम लोग एडिटिंग कर सकते हैं 4K वीडियोस, HD वीडियोस तक लोग एडिट करके अपलोड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एडिटिंग ऐप है, जो कि मैंने रिसेंटली इसको इंस्टॉल किया है, एंड अभी देखते हैं कि कुछ वीडियोस, मैंने एक वीडियो एडिट कर दिए, उसमें आपको दिखा देता हूँ एक बार। एक वीडियो मैंने एडिट कर रखी है, जो कि थोड़ा फोकस नहीं हो रहा है, हो जाए। सो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो, मैं अभी आपको एक फाइल दिखा देता हूँ, जो कि मैंने फिल्मोरा से ही एडिट कर दिया जस्ट फॉर ट्रायल। मैंने यूज़ किया था फिल्मोरा को साथ में, तो ये पहले से ही इंस्टॉल था फिल्मोरा 9 वंडरशेयर का डिजिटल क्रिएटिव डिस्क, पहले से मैंने इंस्टॉल करके रखा था, बाद में यूज़ आ सकता है ये, और जैसे लोड क्यों नहीं हो रहा है, पता नहीं जल्दी लोड नहीं हो रहा है, हो गया बस, ये थोड़ा टाइम लगता है लोडिंग के लिए, बहुत टाइम लगता है। अभी देखते हैं, अभी मैं एक फाइल अपने आपको बताऊँगा, जो कि मैंने एडिट की है, वीडियो उसमें आई थिंक रहेगी उसमें, हेलो अब मुझे पता नहीं है वो उसमें है क्या नहीं, तो देखते हैं अभी। और नहीं है लग रहा है, फोल्डर एम्प्टी है, सो मुझे फोल्डर एम्प्टी है, तो मुझे डॉक्यूमेंट्स पता नहीं कौन से हैं, लोकल डिस्क सी में देखता हूँ, प्रोग्राम फाइल्स, हाँ प्रोग्राम फाइल्स में ठीक रहेगी, गारंटी है। तो बस यही है हमारा पुराना लैपटॉप, क्योंकि फिर से इसको यूज़ करने वाले हैं, बहुत पुराना वाला लैपटॉप है, जो कि लेनोवो का विंडोज 7, लेनोवो का विंडोज 7 ही है, क्योंकि हम लोग यूज़ करेंगे इसको हमारे एडिटिंग प्रोसेस के लिए, इसमें हम लोग एडिट करेंगे, इसमें एडिट करेंगे। और गाइस, मैं अपनी एक और वाली क्लास अटेंड करता हूँ, कि ये सब मैं आपको बाद में बताता हूँ, क्योंकि पता नहीं होता, मैं ये वाली क्लास जल्द से अटेंड कर देता हूँ और बाद में आपसे। ज़्यादा बारिश हो रही है और अभी मैं यहाँ पर हूँ हमारे मेरे टेबल के ऊपर लैपटॉप के साथ और अपनी ड्राइंग के साथ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी ड्राइंग कितनी हो चुकी है, और मतलब मैंने कितना ये किया है, शेड किया है, तो मैं स्लो काम कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें रिजल्ट्स मुझे बहुत अच्छे चाहिए, अच्छे रिजल्ट्स के लिए मैं इसमें बहुत स्लोली काम कर रहा हूँ। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ वो ड्राइंग कैसी लगती है। सो गाइस, कुछ इस तरीके से ड्राइंग, अगर मैं लैम्प लगा दूँ तो एकदम ब्राइट लगेगा, बट ऐसे ही गाइस, इधर इस पूरे एरिया में मुझे आधा घंटा लगा था इस पूरा एरिया कंप्लीट करने में, और इसका पूरा फेस मतलब
एकदम स्मूथ शेडिंग करना चाहता हूँ मैं, ये जो दिख सकते हैं ना गाइस, स्मूथ शेडिंग कुछ इस तरीके से करना चाहता हूँ। और बहुत वर्क करना पड़ता है, बहुत हार्ड वर्किंग हार्ड है गाइस ये स्केच, बट मैं इसको ईजी बनाना चाहता हूँ। और कुछ नहीं, बस मैंने कुछ इतना कम्प्लीट किया है। आज तो इसका पोस्ट आने ही वाला है क्योंकि न्यू पोस्ट डालने वाला हूँ मैं, तो देखते हैं न्यू पोस्ट। और इमेज मैं बता देता हूँ, इमेज हाँ गाइस ये है वो इमेज, तो मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ गाइस, फॉर प्रैक्टिस मैंने ये वर्क स्टार्ट किया है प्रैक्टिसिंग के लिए, क्योंकि गाइस प्रैक्टिस होगी अच्छे से इसके इससे। और अभी मैं कर देता हूँ, थोड़ी आउटलाइन प्रॉब्लम होगी, इसको भी स्टार्ट कर दूँगा, हो गया। तो ये इमेज में गाइस देख सकते हो, पूरे डार्क शेड्स और लाइट शेड्स भी है, पर उतनी इफेक्टिव इमेज नहीं है जितनी मुझे चाहिए थी। इफेक्टिव इमेज का मतलब गाइस इमेज में लाइट और शेड्स और टेक्स्ट, मतलब सब कुछ एकदम डार्क शेड्स भी हो गया उसमें, लाइट शेड्स भी, ये सारे शेड्स हैं ना, ऐसी इमेज में चाहिए। बट मैंने बहुत सारी मशक्कत के बाद ये वाली इमेज मुझे मिली है। और ये फिल्म हो रहा है, तो क्या हो रहा है पता नहीं, हो रहा है गाइस, इसको छोड़ देते एक साइड में, और अगर ये नहीं होता है तो बाद में मैं इसको कर दूंगा, क्योंकि बैकग्राउंड में दो ऐप्स ओपन है, एक गूगल क्रोम और एक है पिक्चर व्यूवर, अभी पिक्चर व्यूवर फोटोज देखने के लिए पिक्चर व्यूवर है ये। और मैं तो स्केच कर रहा था, मेरी तो क्लास हो चुकी है खत्म, पता नहीं नेक्स्ट क्लास कब है, टाइमिंग चेंज होता रहता है, हर बार टाइमिंग चेंज होता रहता है, अगर आपको पता नहीं आपके साथ ऐसा होता है तो कमेंट ज़रूर बताइए, क्योंकि जो क्लास रहती है ना हमारी, उसकी टाइम हर बार चेंज होता रहता है, कभी कभी क्लास बोलते हैं कि 10:30 को है, कभी 10:15 को है, कभी बोलते हैं कि 10:45 को, कभी 8:45 को, कभी 8 बजे ही क्लास रहती है सुबह सुबह, ऐसा मतलब प्रॉब्लम्स होती रहती है। तो अभी क्या आपको लर्न करना ही पड़ता है, क्योंकि क्लास की स्टार्ट होती है और 10:43 हो चुका है, टाइम चेंज होते रहते हैं दोस्तों। और मुझे पता नहीं अभी नेक्स्ट क्लास कब है और क्या है, और अभी तक मैसेज नहीं आया नेक्स्ट क्लास का मुझे, और मैंने अपने फ्रेंड को भी कॉल किया है बट वो कॉल तो नहीं उठा रहा है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्लास कब है। और अगर इस स्केच को कम्प्लीट करेंगे हम लोग इस ब्लॉग वाले पूरे स्केच को मैं कम्प्लीट करूँगा, और इन्जॉय द टाइम लैप्स ऑफ दिस स्केच। जो कि मैंने स्केच स्टार्ट किया था इलियाना डी क्रूज़ का, अभी मैंने उसको हाफ कंप्लीट कर लिया है और उसकी पोस्ट मैं करने वाला हूँ इंस्टाग्राम पर, जल्दी से पोस्ट करने वाला हूँ। और जो ये वाला ब्लॉग है इसको मैं एडिट कर देता हूँ, मैंने अपनी एडिटिंग तो स्टार्ट कर ली है फिल्मोरा 9 मतलब एप्लीकेशन पर अपनी एडिटिंग स्टार्ट कर ली है, और अभी पूरी कंप्लीट करना है, 1-2 घंटे लगे क्योंकि सॉफ्टवेयर पर थोड़ा टाइम लगेगा ज़रूर एडिट करने के लिए। तो गाइस आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं मेरे न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए, और गाइस लाइक और शेयर करना मत भूलना, और गाइस कमेंट कीजिए कि मैं सॉफ्टवेयर पर बनाऊं अपने वीडियोस को, सॉफ्टवेयर पर एडिट करूं या मोबाइल पर ही एडिटिंग कंटिन्यू करूं। तो गाइस अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।